बहुत शीघ्र आने वाले हैं। मुख्य रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो मंशा है वह स्पष्ट है। अब तक जनता जाती थी प्रशासन के पास और जनता जाती थी शासन के पास, लेकिन लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। अगर ये वास्तविक लोकतंत्र है तो इसमें शासन को ही जनता के पास जाना चाहिए, और इसीलिए सरकार आज आपके पास आई है आपको शासन की योजनाओं से अवगत कराने के लिए, उन योजनाओं से कैसे हम जनता को लाभान्वित कर सकते हैं इसके बारे में बताने के लिए। और जहां पर कहीं कोई खामी है तो उसको सुधारने के लिए ये सभी चीजें एक साथ चलेंगे। आप देखेंगे, एक तो जीवन में सफलता के लिए सबसे पहली बात है कि व्यक्ति को अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा रखनी पड़ेगी। सकारात्मक ऊर्जा इस बात को लेकर के कि हां, मैं भी इस योजना से, अगर मेरी पात्रता है तो मैं भी इस योजना से लाभान्वित होऊंगा, या जीवन में मैं भी सफल हो सकता हूं। हमेशा एक इस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा हम सबको हमेशा अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। आप जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में हम लोग बड़ी मात्रा में बेसिक शिक्षा विभाग में हर बच्चे को हम दो यूनिफॉर्म दे रहे हैं। अभी वह यूनिफॉर्म बाहर से सिला करके आती हैं। अगर गांव के बच्चे की यूनिफॉर्म आप गांव में ही सिलना प्रारंभ कर देंगे तो आपको पैसा भी मिलेगा, गांव के बच्चे को अच्छी यूनिफॉर्म आप गांव में बना करके दे देंगे, और साथ साथ महिलाओं को कार्य भी मिल जाएगा। कार्य मिलने के बाद उनके पास पैसा भी आएगा, खुशहाली भी आएगी। सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देने का कार्य एक स्वयंसेवी समूह के हाथ दीजिए, उनको प्रशिक्षित करिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत संभावनाएं हैं डेयरी की, डेयरी के लिए भी उन्हें अनुदान देने की व्यवस्था करवाइए, उसके लिए एक स्वयंसेवी समूह को तैयार करिए। यहां पर बहुत अच्छा कार्य होता है, यहां पर आम अच्छा पैदा होता है, सब्जी अच्छी पैदा हो सकती है। फूड प्रोसेसिंग के लिए अचार बनाने का कार्य है, मुरब्बा बनाने का कार्य है, आम से जुड़े हुए तमाम अन्य उत्पादों को बनाने का कार्य कोई स्वयंसेवी समूह करके उसकी ब्रांडिंग हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अमरोहा में ढोलक भी बनता है, तो उस ढोलक को भी बनाने और उसकी ब्रांडिंग करने की व्यवस्था हो। इतना कार्य है, इतना कार्य आप करवा सकते हैं, इन लोगों के माध्यम से इन लोगों को दे सकते हैं कि बड़ी मात्रा में लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए उस कार्य को उसके माध्यम से, वो बालिका एक खड़ी हुई थी, उस बालिका के नेतृत्व में गठित करवाइए एक स्वयंसेवी समूह, और भी जो लोग इच्छुक हैं उन लोगों के नेतृत्व में करवा दीजिए। आप लोग, ये लोग आएंगे यहाँ गांव में ही गठित करवाएंगे, ठीक है। एक समूह 10-15 महिलाओं की बनवा करके और किसी एक विषय को चुनिए। देखिए कोई कार्य छोटा नहीं होता, एक बार थोड़ा पहल कर लेंगे तो बहुत अच्छा कार्य इसमें हो सकता है। देश के अंदर जिन लोगों ने किसी क्षेत्र में नया कार्य करके दिखाया है, लोगों के लिए सामने उदाहरण प्रस्तुत किया, वो कार्य उन्होंने छोटी से शुरुआत किया था, आज बहुत बड़ा हो गया है। छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, लोगों के लिए एक मानक बन सकता है, और उस मानक को ही प्रस्तुत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह गठित करने की मैं बात कर रहा हूं कि सिलाई कढ़ाई के लिए हर वर्ष हम यूनिफॉर्म देंगे। आपके गांव में बच्चों को भी मिलना है, अगर हर गांव में ये महिला स्वयंसेवी समूह यूनिफॉर्म सिलने का कार्य कर दे, या फिर अन्य कार्यों को अन्य गांवों के बच्चों के भी कर दें, बेसिक शिक्षा परिषद उनके साथ जुड़ करके उनके माध्यम से सिलवाने का कार्य प्रारंभ कर देता है, स्वेटर बनाने का काम शुरू कर देता है, तो उनको साल भर में
तो सैकड़ों का बच्चों का कार्य तो उनके अपने गांव में मिल जाएगा, आसपास के गांवों से मिल सकता है, लेकिन एक पहल हमें प्रारंभ करनी पड़ेगी इसके लिए। और इसमें मशीन खरीदने के लिए, अन्य प्रशिक्षण के लिए उन्हें अनुदान भी दिया जाएगा, अनुदान सरकार देगी, जिसके माध्यम से प्रशिक्षित होकर के आगे बढ़ सकते हैं, आगे कार्य उनका बढ़ सकता है। एक कार्य जो बहुत अच्छा कार्य होने जा रहा है, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, कि हमारे नौजवानों के लिए, इसमें मुझे बताइए कि कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लिया है। कोई नौजवान है यहाँ पे? हाथ खड़ा करो। पहले हाथ, मैं जो बोल रहा, हाँ ऐसा नहीं भाई, मैं जो बोल रहा उसको करो। किसी नौजवान को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कोई लोन मिला है कि नहीं मिला है? जिसको मिला वो हाथ खड़ा कर दे। किसी को? एक नौजवान आया है। आपने किस कार्य के लिए लिया है? हैं? डेयरी के लिए। बहुत सुंदर। कितने का लिया है? हैं? 10 लाख लिया है। डेयरी प्रारंभ कर दिए? कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा, सरकार भी इस मामले में सहयोग करेगी, ठीक है? एक तो मुझे बताइए, इसमें 3 श्रेणियां हैं। देखिए, हमारा नौजवान इस गांव में, क्या कोई प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट का कोई सेंटर है कि नहीं है? नहीं है, ठीक। आईटीआई कोई है? एक आईटीआई गांव में। कोई आईटीआई आसपास के गांव में? हसनपुर में? हसनपुर में भी आईटीआई नहीं है? हैं? कहां पे? रेरा में है ना? क्या है? कितनी दूर है यहां से? अरे यार गोरे, इसके आसपास बताओ मुझे कितनी दूरी पे है? हसनपुर में, बिजनौरा में, 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ के कितने नौजवानों को आप ले सकते हैं इसमें? ये बालिका क्या बोल रही है? एक मिनट, बालिका को बोलने दो। कहाँ पे? सैद नगरी में, ठीक। हम बोलेंगे, हैं? हैं? अच्छा, हम देंगे, वो भी कर लेंगे। बैठे। हेलो सर, हाँ। सर सैद नगरी, मेरा नाम निर्दोष है, हाँ। मैं सैद नगरी के रहने वाली हूँ। एक बार सुनने तो ना, उसको बोलने तो। सर लड़कियों के लिए सब उंगली उठाते हैं, हाँ। आसपास में नहीं है, सैद नगरी में आईटीआई होनी चाहिए। ठीक है, आप प्रशिक्षण लेंगी ना? सर मैं तो जॉब के लिए हूँ, मैं डबल एमए करी हुई हूँ, मैं भी चाहती हूँ, इसलिए सर आई हूँ, हाँ। कि सर आप मेरे लिए जॉब दें, मुझे सुपरवाइजर बनाएं। जरूर। सर आपने, सर एक रिक्वेस्ट और, आपने वादा किया था आंगनवाड़ियों से, मैं आंगनवाड़ी से रिलेटेड हूँ। आप हैं आंगनवाड़ी के? जी सर, की हम मतलब 15,000 रुपए कर देंगे, आपने अभी तक अपना। अरे कमेटी, कमेटी हमारी गठित हुई, आप मुझे बताइए, आप लोगों को 3,500 रुपए मिलता था जी, 10,000 हम किए हैं ना? नहीं सर, अरे 10,000 रुपए हम कर दिए, अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आए हैं। 10,000 रुपए हम लोग पिछले वर्ष जुलाई में ही कर चुके हैं सर, अभी आए नहीं है, हमारे 4,000 आते हैं बस। नहीं सर, नहीं सर 4,000 आते हैं। अच्छा, हम चेक करवाते हैं। वैसे 10,000 रुपए हम मानदेय कर चुके हैं, कमेटी गठित कर चुके हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक, कर चुके हैं, ठीक। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। क्या है बताइए इनको? अरे सुन लो थोड़ा, इन लोगों की सुनते लीजिए, उन लोगों की बात। हाँ बोलिए। सर मैं आशा एसोसिएशन से महिला, मैडम पीछे जाइए, मैडम 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 सुनने दीजिए भाई, उनको बोलने दीजिए, आने दो उनको। सर आशा का कोई समय नहीं है काम करने का, 24 घंटे कभी भी जाती है, हाँ। और उसके पास ये लेटर है मेरा, हाँ, दे दीजिए। और सर उसके पास, उसके लिए कोई नियत मानदेय नहीं है, हाँ। और जो भी हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है, हाँ। वो सब अधिकारी बंदर बांट कर लेते हैं, हमारे पास नहीं आती। अच्छा, मैं भी तो आपसे निवेदन, आप मुझे बताइए, एक आशा बहु जी कितने प्रसव महीने में करवा देती है? जी महीने में 3 प्रसव। केवल 3 होते हैं जी? एक में कितना? सेमू साहब कहाँ है? सेमू जी बैठ जाओ भाई, आप लोग बैठ जाएं, एक आदमी को बोलने दीजिए। इनमें प्रत्येक आशा बहु को प्रत्येक प्रसव में कितना मानदेय दिया जा रहा है? हैं? 200 रुपये।
₹200 उनको समय पे मिल जाते, हर महीने भुगतान हो जाता उन लोगों को। नहीं सर, छह महीने नहीं, हर महीने उसका भुगतान करवाइए, ठीक है। और समयबद्ध ढंग से सारे कार्य होने चाहिए। संस्थागत प्रसरों को प्रश्रय दीजिए, उसको आगे बढ़ावा दीजिए, जिससे कहीं भी कोई इस प्रकार की स्थिति ना पैदा होने पाए, किसी जच्चा बच्चा की असमय मौत ना होने पाए। और इसको वासा बहु एसोसिएशन की प्रदेश की कोषाध्यक्ष हैं, आप लोगों को इन लोगों के साथ लगातार बातचीत करके उनकी समस्याओं को समयबद्ध ढंग से समाधान करना चाहिए, ठीक है सर। आपसे एक रिक्वेस्ट है।